हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु आप सबका स्वागत करता हूं साइंटेक बायोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर में जो कि मेनली यंगस्टर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉक नीज के बारे में। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें नॉक नी एक इंपॉर्टेंट रीजन है डिस्क्वालीफाई होने के। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि नॉक नीज है क्या और ये किन किन रीजन से हो सकते हैं। जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं इस तरीके से कि हमारे दोनों पाँव के टोज आपस में सटे हो, तो हम देखते हैं कि हमारे दोनों नीज के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहता है या बहुत ज़्यादा गैप हो रहता है। इसी कंडीशन को हम नॉक नीज कहते हैं। लेट्स सी द रीज़न फॉर नॉक नीज। द फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक फैक्टर फॉलोड बाई ओबेसिटी, विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी एंड फैट डिपोजिशन ऑन थाइज एंड ग्लूट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस के थ्रू नॉक नीज के इस प्रॉब्लम से सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर छुटकारा पा सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रेच योर लेग्स। उसके बाद आपको अपने एक पाँव को दूसरे पाँव के नीचे डालना है इस तरीके से। फिर आपको अपने राइट हैंड से अपने टो को होल्ड करना है और फिर अपने दूसरे हैंड से काफ मसल को बाहर की तरफ स्क्वीज करना है, जिससे कि आपको अपने नीज पे प्रेशर फील होगा और वो बाहर की तरफ मुड़ जाएंगे। आपको ये एक्सरसाइज 30 सेकेंड तक करना है और फिर दूसरे पांव के साथ इसे रिपीट करें। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिसमें आपके पांव के ऑलमोस्ट सारे मसल्स टारगेट होंगे। इस एक्सरसाइज को आपको इस तरीके से करना है कि पहले आप इस पोजिशन में खड़े हो जाइए, उसके बाद आपको एक तरफ अपने पाँव को बेंड करना है और एक तरफ स्क्वीज करना है इस तरह से। उसके बाद इस पोजीशन को 2 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर सेम नेक्स्ट पाँव के साथ कीजिए। इसी तरह के 15 रिपीटेशन के 3 सेट्स आपको करने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिसमें आपको अपने राइट लेग्स को किसी ऊंचे जगह पे होल्ड करना है। उसके बाद आपको अपने राइट हैंड से टोस को पकड़ना है इन सच अ वे डैट आपके थाइस के पीछे वाले हिस्से पे प्रेशर पड़े। फिर आप कोशिश करिए कि अपना हेड को नीज पे टच करवाने का। इस पोजीशन पे आपको 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट होल्ड करना है ऐसे, और ऐसा आपको सेम दूसरे पाँव के साथ भी करना है। इससे आपके काफ मसल, थाइस मसल एंड ग्लूटियस पे असर पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको पहले योगा पोजीशन में बैठ जाना है और फिर अपने पाँव को इस पोजीशन में रखना है और हाथों को पकड़ लेना है। फिर आपको अपने थाइस को ज़मीन की तरफ सटाने की कोशिश करनी है और फिर इसे ऊपर फिर नीचे, और आपको फिर इस मैनर में इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है, जिससे कि आपके थाइस पर जमे फैट पर असर पड़ेगा और वो कम होगा। आपको इसी तरह के 13-15 रिपीट्स 3 सेट्स लगाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। टिल देन खुश रहे, गुड बाय।